साथियों, नारायण गुरु ने तीर्थ दारम दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था। देश भी इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र संग्राम केवल विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीतियां तक ही सीमित नहीं था। ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई तो थी, लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे, कैसे होंगे, इसका विचार भी साथ साथ चलता था। क्योंकि हम किस चीज के खिलाफ है केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता, हम किस सोच के, किस विचार के लिए एक साथ है ये भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे स्वाधीनता संग्राम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी, हर कालखंड में नए विचारक मिले, भारत के लिए इतनी संकल्पनाएं, इतने सपने एक साथ खड़े हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से सीखते थे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये सुविधाएं, ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाने नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये जननायक, ये नेता एक साथ मिलकर मंथन करते थे, आधुनिक भारत की रूपरेखा खींचते थे। आप देखिए 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहां दक्षिण में आकर नारायण गुरु से मिलते हैं। तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायण गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है। 1925 में महात्मा गांधी गुजरात से साबरमती के तट से देश के पश्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं, श्री नारायण गुरु से मिलते हैं। उनके साथ हुई चर्चा ने गांधी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद स्वयं नारायण गुरु से मिलने पहुंच गए थे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायण गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग किया करती थी, कितने विचार मंथन होते थे। ये विचार सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनर्निर्माण के बीच की तरह थे। ऐसे कितने ही सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ आए, उन्होंने देश में चेतना जगाई, देश को प्रेरणा दी, देश को दिशा देने का काम किया। आज हम जो भारत देख रहे हैं, आजादी के इन 75 सालों की जिस यात्रा को हमने देखा है, ये उन्हीं महापुरुषों के मंथन चिंतन विचारों का परिणाम है जो आज फलस्वरूप हमारे सामने है।